नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हुए हैं एक स्ट्रॉबेरी फार्म में। क्योंकि अभी सीज़न है स्ट्रॉबेरी पिकिंग का, तो जापान में जो होता है वो एक ये बहुत ही यूनिक सा इनका एक कल्चर है कि ये अपने सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे आप ऑरेंज पकड़ लीजिए, पीच, स्ट्रॉबेरी, ऐसे वो लोग एक फार्म में कुछ एक अमाउंट होता है, उसके वो अमाउंट देने के बाद वो एक टिकट देते हैं और आपको यहाँ फार्म में एंट्री मिलती है और आपको एक टाइम स्लॉट मिलता है। उस टाइम स्लॉट में आप जितना चाहो स्ट्रॉबेरी खा सकते हो। और हमें मिला है, एक्चुअली ये ओकायामा का सबसे बड़ा फार्म बोला जाता है। इस फार्म का नाम अकाइवा फार्म है और यहाँ पे आपको एडल्ट्स के लिए 1,100 yen का टिकट है। आप यहाँ पे अंदर आओ, आपको यहाँ पे 45 मिनट्स का टाइम स्लॉट मिलता है। आप सारा फार्म्स घूमो और घूमने से पहले वो एक छोटा सा अपना वो देते हैं, एक इंट्रोडक्शन टाइप का देते हैं कि आपको कौन सा स्ट्रॉबेरी पिक करना है, कौन सा स्ट्रॉबेरी पिक नहीं करना है, किस तरीके से पिक करना है, ये सब आपको वो बताते हैं। और 45 मिनट्स के अंदर में आप जितना चाहो स्ट्रॉबेरी खा सकते हो। तो हम वही इंजॉय कर रहे हैं अभी, तो देखते हैं कितना स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। मैंने तो काउंट नहीं किया है, बट मे भी शायद मोर देन मैंने 15 खा चुकी हूँ। तो लेट्स एंजॉय। व्हाइट स्ट्रॉबेरीज हैं, इनको पिक नहीं करना है क्योंकि वो अभी भी राइप होना बचा हुआ है। और आप जो रेड कलर की, पूरी रेड कलर की जो स्ट्रॉबेरी है वो आप खा सकते हो। ये देख रहे हो इस टाइप की जो स्ट्रॉबेरी है वो आप पिक करके खा सकते हो। तो ये मैं भी पिक करूँगी। और आपको एक यहाँ पे ग्लास दिया जाता है, इसमें आप अपना वो जो ग्रीन कलर का होता है वो फेंक सकते हो। रेड कलर की जो स्ट्रॉबेरी, इसको उन्होंने बोला है कि इसको ऐसे नीचे ऐसे करके नहीं तोड़ना है, इसको थोड़ा सा मोड़ के ऐसे तोड़ना है। ये एक बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस है। तो इंडिया में तो ऐसा एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो जाने से पहले ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। ये बहुत बड़ा है, मेरे पीछे आप देख सकते हो काफ़ी दूर तक गया है ये फार्म। और ये हर रोज़ का नंबरिंग किया हुआ है, तो वो ये भी बताते हैं कि कौन से रोज़ का आप ज़्यादा पसंद कर सकते हो, कौन सा रिकमेंडेड है। तो उन्होंने बोला है 4 नंबर और 9 नंबर के जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो रिकमेंडेड किया है उन्होंने। तो मैं अभी जो हूँ, अभी मैं कौन से रो में हूँ, अभी मैं 7 नंबर के रो में हूँ। तो अभी मैं 9 नंबर के रो में जाती हूँ, वहाँ पे देखते हैं कैसा मिलता है। देखो आप कलर्स, देखो आप स्ट्रॉबेरीज, काफ़ी लोग जो हैं वो वीकेंड्स में आते हैं यहाँ पे। फार्म फ्रेश स्ट्रॉबेरीज एंजॉय कर सकते हो।
स्ट्रॉबेरीज भालो यम्मी भलक जी ब्रो ऐ तो मुझे दियो ना Yummy, nice. Small, tasty. Yeah. Tasty. यहाँ पे इनके वाटर की मशीन्स लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पाइप्स गए हुए हैं। यहाँ पे यहाँ से शायद इनको पानी प्रोवाइड किया जाता है। और ये पूरे हर चीज़ एक मिट्टी जो है वो बंधी हुई है प्लास्टिक्स में। और जहाँ जहाँ से पौधे निकल रहे हैं सिर्फ वो जगह ओपन है, बाकी ये पूरा रो ऐसे जो प्लास्टिक है उससे बंधा हुआ है। और यहाँ पे हर जगह पे ये ऐसा ड्रेनेज है, ये पाइप्स है, यहाँ से स्प्रिंकल होता है वाटर। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। গ্লাসটা নাও তোমার। আনিসা দিয়েছ? হ্যাঁ হ্যাঁ, এনে 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 এনে